हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सूर्या स्टडी सेंटर। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अलजेब्रा मतलब इसका हिंदी होता है क्या फ्रेंड्स, बीजगणित, यानी कि बीजगणित से रिलेटेड, अलजेब्रा से रिलेटेड आप लोगों को क्लास कितने आप लोगों को यूट्यूब पर मैंने इस पर, तो फ्रेंड्स आप लोगों को यूट्यूब पर वीडियो मैंने अपलोड पार्ट 6 तक आप लोगों को वीडियो अलजेब्रा का आप लोगों को अपलोड कर दिए। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं वीडियो अपलोड करूंगा ये पार्ट 7 रहेगा फ्रेंड्स, किसका रहेगा तो अलजेब्रा का रहेगा फ्रेंड्स, किसका रहेगा तो अलजेब्रा का 7 वीडियो रहेगा फ्रेंड्स। इसमें आप लोगों को जो भी क्वेश्चंस मैं बताऊंगा, आप लोगों को बेहतरीन क्वेश्चंस बताऊंगा जो कि ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम, जो भी अपकमिंग आने वाले, जो भी अपकमिंग आने वाले एग्जाम है कॉम्पिटेटिव एग्जाम, किसका फ्रेंड्स तो कॉम्पिटेटिव, तो फ्रेंड्स कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो भी आने वाले हैं अभी फिलहाल में, जैसे ही आप लोगों को लॉकडाउन समाप्त होगा, यानी कि अभी तो अनलॉकडाउन लगा है फ्रेंड्स, इसके बाद लॉकडाउन जैसे ही आप लोगों को समाप्त होगा, वैसे ही आप लोगों को जितने अपकमिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम है फ्रेंड्स 2023 में, ये टोटल एग्जाम आप लोगों को क्या किया जाएगा, लिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को आज ही यानी कि अलजेब्रा का पार्ट 7 आप लोगों को बताने वाला हूँ, और इसमें आप लोगों को कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, जैसे आप लोगों को रेलवे हो गया, किसका हो गया, रेलवे हो गया, SSC हो गया, इसमें मैथ पूछा जाता है फ्रेंड्स, SSC हो गया, और बैंकिंग की बात करें फ्रेंड्स तो उसमें मैथमेटिक्स थोड़ा अलग टाइप से पूछा जाता है, बट बैंकिंग को छोड़ो, रेलवे हो गया, SSC हो गया, GT हो गया, SSC GT हो गया फ्रेंड्स, क्या SSC GT हो गया, और जितने एग्जाम है, मान लीजिए जितने एग्जाम है आप लोगों को कॉम्पिटेटिव जितने एग्जाम है उसमें मैथ आप लोगों को पूछा जाता है, तो उस पॉइंट व्यू से आप लोगों को मैं मैथमेटिक्स का क्वेश्चन इस पर आप लोगों को बताऊंगा, और क्वेश्चंस के साथ साथ ही आप लोगों को क्या बताऊंगा फ्रेंड्स, ट्रिक भी बताऊंगा, और उसका जो बेसिक रूल है उसको मैं फॉलो करते हुए आप लोगों को बताएंगे। तो फ्रेंड्स, से चलते हैं हम क्वेश्चंस की ओर, मूव ऑन करते हैं तब तक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप लोगों को क्वेश्चंस बताएंगे कि क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चन नंबर आप लोगों को फर्स्ट है फ्रेंड्स, आप लोगों को क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि 2x + 1/3x है, और आप लोगों को कितना दिया है फ्रेंड्स, 5 दिया है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, थोड़ा यहाँ लिखने में थोड़ा पानी पानी हो गया है फ्रेंड्स, इसकी वजह से थोड़ा परेशानी हो गई है। तो फ्रेंड्स क्या है, क्वेश्चन क्या है, 5 है, इक्वल टू में क्या दिया है, 5 दिया है, और आप लोग से पूछा जा रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 5x / 6x² + 20x + 1, ये आप लोग क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और गिवन क्या है आप लोगों को, गिवन कौन सा वैल्यू है, 2x + 1/3x = आप लोगों को 5 दिया है, और आप लोगों से पूछा जा रहा है क्वेश्चंस क्या, 5x / 6x² + 20x + 1 = क्या होगा। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चंस से SSC एग्जाम में इस पैटर्न पे आप लोगों को पूछा गया है, तो इस क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो नाउ मतलब क्या फ्रेंड्स, अब क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर 5x / 6x² + 20x + 1 = यहाँ पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्या करेंगे, x का कॉमन ले लेंगे, x का कॉमन लेंगे तो यहाँ पर भी x का कॉमन लेंगे फ्रेंड्स, तो कितना होगा 6x = 20, और कितना होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर कितना होगा 1/x हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पर 5 /
सिक्स एक्स और वन बाई एक्स दिया है तो इस तरफ कर लेते हैं और 20 को यहाँ पर कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस यहाँ पर आप लोगों को क्या निकल कर आया, जब इतना हमने कैलकुलेशन किया तो 5/1 में 6x+1/x+20 आप लोग इतना कर लिए होंगे फ्रेंड्स, आप लोगों को इतना समझ में आ रहा होगा। बट आप लोगों को मैं बता दूं यहाँ पर फ्रेंड्स से हम ऊपर नीचे 1/1 में किसका हमको लाना क्या है, 2x+1/3x लाना है। तो फ्रेंड्स इसमें हम क्या चीज़ का गुणा करें कि यहाँ पर 2x+1/3x आ जाए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम 1/3 का गुणा करेंगे ऊपर नीचे दोनों। तो फ्रेंड्स यहाँ पर 5x 5 × 1/3 और यहाँ भी हम क्या करेंगे फ्रेंड्स 1/3 का यहाँ पर क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स देखिए आगे क्या हो रहा है, यहाँ पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आगे देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पर कितना आ जाएगा 2x हो जाएगा और यहाँ कितना आ जाएगा 3x हो जाएगा और यहाँ पर कितना आ गया 20/3 हो गया। तो फ्रेंड्स अब आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 2x+1/3x = यहाँ पर कितना दिया है तो 5 दिया है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स क्या करेंगे हम उसको पुट कर देंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट कर देंगे तो कितना हो गया 5/3 और इसका जो वैल्यू है फ्रेंड्स यहाँ पर 5 दिया गया है तो यहाँ क्या हो जाएगा 5/20/3 हो गया। और फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूँ कि 5/3 और यहाँ बचती है 15 और प्लस क्या हो गया 20 हो गया और यहाँ 3 से 3 क्या हो गया फ्रेंड्स तो कैंसिल आउट हो गया और यहाँ पर क्या बचा 5/35 बचा। और आप जानते हैं कि 5/35 × 1/7 इसका करेक्ट आंसर, इसका राइट आंसर कितना हो गया फ्रेंड्स तो 7 हो गया। इसी प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चंस को विदिन सेकंड में करना है फ्रेंड्स, आप लोग जितना इस बार बार क्वेश्चंस ऐसा क्वेश्चंस को आप लोग बार बार करिएगा तो उतना ही फास्ट आप लोग कर सकते हैं, सेकेंडों में आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग क्या करें नोट डाउन करें, तब तक मैं दूसरे क्वेश्चंस की ओर मूव ऑन करूंगा फ्रेंड्स। थोड़ा जल्दबाजी में नोट डाउन करिए आप लोग। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे फ्रेंड्स, तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे। तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आप लोग 2 आ रहा है स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर कौन सा है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 2 स्क्रीन पर आ रहा है और क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इफ ए इक्वल टू 0.013 आप लोगों को दिया गया है। क्या दिया गया है फ्रेंड्स 0, यहाँ पे आप लोगों को वैल्यू क्या दिया गया है कि a = 0, 1, 0 और 3, 9 आप लोगों को दिया गया है, a का वैल्यू दिया गया है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ किसका वैल्यू आप लोग से पूछा जा रहा है कि देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 4a² - 4a + 1 = + 1 और यहाँ पर आप लोगों को +3 दिया गया है, ये रूट से बाहर है +3 है। क्या है फ्रेंड्स रूट से बाहर क्या है +3 है, ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन दिया गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ए का वैल्यू यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, इतना बड़ा नंबर में जब हम ए का वैल्यू पुट करेंगे तो फ्रेंड्स क्या आंसर ला सकते हैं, कभी भी कितना हो घंटों हम समय लेंगे तो कभी आंसर आएगा, पॉसिबल नॉट पॉसिबल, पॉसिबल ही नहीं है कि फ्रेंड्स इसका वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे तो आप लोगों को मैं ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। नाउ यहाँ दिया गया है फ्रेंड्स कि 4a² - 4a+1 और +3 दिया गया है, इसको जब हम कैलकुलेशन करेंगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर क्या हो जाएगा √1 - 2 का स्क्वायर और यहाँ क्या हो जाएगा
प्लस फ्रेंड्स आप लोगों को जो जितने भी प्रीवियस ईयर वीडियो आप लोगों को बताए होंगे फ्रेंड्स उसमें आप लोगों को बताए होंगे कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ए स्क्वायर प्लस टू ए बी और प्लस क्या होता है फ्रेंड्स, तो बी स्क्वायर होता है। इसी पैटर्न पर यहाँ पर हम क्या किए हैं फ्रेंड्स, इसको फॉलो किए हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर पर, इसको क्या किए हैं फॉलो किए हैं। जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है उसी प्रकार से ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ए स्क्वायर माइनस टू ए बी और प्लस क्या होता है तो बी स्क्वायर होता है। यही बात को मैंने यहाँ पर क्या किया है फ्रेंड्स, तो फॉलो किए हैं। बिकॉज आप लोगों को यहाँ पर बता दूँ कि जब भी स्क्वायर रूट से बाहर निकलेगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ स्क्वायर रूट है फ्रेंड्स और इसका होल स्क्वायर क्या है वन माइनस टू ए का होल स्क्वायर। तो बाहर निकलेगा तो क्या बचेगा फ्रेंड्स, वन माइनस टू ए और ए प्लस आप लोगों को थ्री दे दिया गया है। फ्रेंड्स आप लोगों को मैं यहाँ पर बता दूँ कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ माइनस टू ए है और यहाँ प्लस क्या है थ्री ए। यहाँ फ्रेंड्स जब घटेगा तो यहाँ पर क्या बचेगा प्लस वन प्लस ए बचेगा। वन प्लस ए और ए का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है फ्रेंड्स, 0.10 क्या दिया है 39 दिया है। जब हम इसको में ऐड करेंगे फ्रेंड्स तो क्या आ जाएगा, जब इसमें हम ऐड करते हैं तो फ्रेंड्स क्या आएगा 1.1039 इज द करेक्ट आंसर, इज द करेक्ट आंसर। आप लोगों का आंसर क्या हो गया 1-1039 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे आप लोगों को क्वेश्चन से आता है फ्रेंड्स एसएससी के एग्जाम में। तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट डाउन करिए, आई होप सो आप लोगों को इस समझ में आ रहा होगा सेशन। तो आप लोग लाइक करें फ्रेंड्स, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें जब आप लोगों को समझ में आ रहा होगा तो, और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड्स में क्या करना फ्रेंड्स, शेयर करना वीडियो को। और फ्रेंड्स आप लोगों को कोई भी ऐसे सब क्वेश्चन में आप लोगों को त्रुटि हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है फ्रेंड्स, तो आप लोग वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके आप लोग कमेंट कर सकते हैं और हमारे चैनल को आप लोग क्या कर सकते हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन को बनाने के लिए फ्रेंड्स, ऐसा ही सेशन देखने के लिए। तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटा देता हूँ और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों को ऑन द स्क्रीन पर आ रहा है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर आप लोगों को फ्रेंड्स थ्री बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर थ्री क्या है, क्वेश्चन नंबर थ्री फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। आप लोगों को दिया गया ए वन ग्रेटर देन आप लोगों को या और ग्रेटर देन टू लेस देन टू दिया गया है, वन ग्रेटर देन एक्स और एक्स लेस देन टू आप लोगों को दिया गया है। और आप लोगों से पूछा जा रहा है क्या फ्रेंड्स कि फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स तो फाइंड द वैल्यू ऑफ कितना, फाइंड द वैल्यू ऑफ वन माइनस क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स आप लोगों से, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर और यहाँ माइनस एक्स माइनस एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर आप लोग से क्या पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को हम करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब ही ऐसे क्वेश्चंस आता है आप लोगों को एग्जाम में और यहाँ पर आप लोगों को केस दिया गया है, यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों को केस दिया गया है कि वन जो है क्या है यक्ष से बड़ा होना चाहिए और जो टू है वो यक्ष से क्या होना चाहिए छोटा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को बनाने के लिए नाउ क्या करेंगे हम, डायरेक्ट हम इसको क्या करेंगे स्क्वायर रूट निकाल के रखेंगे, क्या करेंगे फ्रेंड्स तो इसका स्क्वायर रूट हम निकालेंगे। इसका स्क्वायर रूट आप लोग बाहर जब इसको निकालिएगा तो एक्स माइनस वन और यहाँ माइनस और इसको जब आप निकालिएगा तो पोस्ट में एक्स माइनस थ्री करिएगा फ्रेंड्स, एक्स माइनस वन और माइनस एक्स और प्लस क्या हो जाएगा थ्री हो जाएगा, एक्स में एक्स चला गया और माइनस वन में से प्लस थ्री घटेगा तो फ्रेंड्स आप लोगों को क्या आएगा प्लस टू इज द करेक्ट आंसर। जब इस केस में हम यक्स की वैल्यू टू रखेंगे, जब टू रखेंगे तो फ्रेंड्स क्या करेगा सेटिस्फाई करेगा।
तो इसको आप लोग मूव डाउन कर सकते हैं फ्रेंड्स। तब तक ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करेंगे फ्रेंड्स। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आप लोगों को, जो बहुत बेहतरीन क्वेश्चन रहेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, क्योंकि ऐसे एग्जाम में आप लोगों को पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटा देता हूँ और अगले क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर कि 2x - 1/2x = आप लोगों को 6 दिया है। कितना दिया है फ्रेंड्स, तो आप लोगों को 6 दिया है। और देन फाइंड द वैल्यू ऑफ देन फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या पूछा जा रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x² + 1/16x² आप लोगों से इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे, तो आइए फ्रेंड्स देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। नाउ 2x - 1/2x = 6 दिया गया है। आप लोगों को क्या दिया गया है, तो 6 दिया गया है। This implies, यहाँ पर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 1/2 का हम मल्टीप्लाई करेंगे। जब फ्रेंड्स इसमें हम 1/2 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 का, 1/2 का, तब क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ पर जब 2 कट जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, जब 2 कटेगा तो यहाँ x बचेगा और 1/4x बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 बचेगा। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ऐसे सिचुएशन में जब क्वेश्चंस हम लाते हैं तो हम क्या करते हैं, बोथ साइड स्क्वायरिंग करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो यहाँ पर हम स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन द बोथ साइड यानी कि फ्रेंड्स इसका हिंदी हुआ कि दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो आइए फ्रेंड्स यहाँ पे हम वर्ग करते हैं, जब यहाँ पे हम वर्ग करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होगा माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस बी, यानी कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर पर इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 16x² और यहाँ क्या हो जाएगा माइनस 2x - 1/4x और इक्वल टू में कितना हो गया फ्रेंड्स, तो 9 हो गया। तो फ्रेंड्स यहाँ पर जब हम देखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को दिखाई दे रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² यहाँ पर देखिए वैल्यू आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम 2 से कटाएंगे तो 2 बार में एक्स से एक्स क्या हो गया, कैंसिल हो गया फ्रेंड्स, तो यहाँ पर क्या बचा -1/2 बचा और इक्वल टू में आप लोगों को 9 दिया गया है। यहाँ पर हम सोल्व करते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस 1/16x² जब हम 2 को 9 यानी कि इक्वल टू के उधर हम भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर 1/16x² जब इसको हम जोड़ेंगे तो 9 × 18 = 19 आप लोगों को, इसका राइट आंसर कितना होगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो गया 19/2 इज द राइट आंसर। इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं फ्रेंड्स, सोल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स आप लोगों को जब सेशन अच्छा लग रहा हो तो आप लोग क्या करें फ्रेंड्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग अपने फ्रेंड्स के पास क्या करें फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के पास इसको मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर करिए, क्योंकि फ्रेंड्स इस पर आप लोगों को ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से हर सब्जेक्ट का आप लोगों को यहाँ पर क्या क्या कराया जाएगा, तो फ्रेंड्स आप लोगों को प्रिपरेशन कराया जाएगा। बट अभी ये जो चैनल है फ्रेंड्स अभी बहुत छोटा चैनल है, इसके वजह से आप लोगों को केवल मैथमेटिक्स का ही वीडियो मैं इस पर डालता हूँ फ्रेंड्स। अदरवाइज जैसे ही हमारे चैनल इंक्रीज करेगा फ्रेंड्स वैसे आप लोगों को क्लास भी इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग क्या करें फ्रेंड्स, मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को शेयर करते रहिए,
और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आप लोगों के साथ मैं निर्वहन करूंगा। फ्रेंड्स ये जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों को क्वेश्चन रहेगा। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट जो क्वेश्चन है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो फ्रेंड्स इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। कब तक के लिए नोट डाउन कर लीजिए फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, आप लोग आई होप सो आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। और फ्रेंड्स इस सेशन का एक लास्ट क्वेश्चन है और जो कि आप लोगों को बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर आप लोगों को 5 है और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। यहाँ पे स्क्वायर रूट 7 × √3 और आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है, इसका वैल्यू आप लोगों से पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है फ्रेंड्स, फाइंड द वैल्यू, इसका आप लोगों से वैल्यू पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि स्क्वायर रूट 7 + 4 × √3 आप लोगों को दिया गया फ्रेंड्स। जैसे ही आप लोगों का ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है फ्रेंड्स, देखने में फ्रेंड्स बहुत छोटा क्वेश्चन है पर इसमें दिमाग कैसे लगाएंगे, कैसे ट्रिक के साथ इसको सोल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, नाउ स्क्वायर रूट 7 + 4 × √3 दिया गया है और आप लोगों से इसका वैल्यू पूछा जा रहा है। तो फ्रेंड्स स्क्वायर रूट 7 + ये 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं फ्रेंड्स। इस 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं और स्क्वायर रूट 3 है। एक बात आपको बताइए यहाँ पर 7 + 2 फ्रेंड्स जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं इस बात को फ्रेंड्स हम कैसे लिख सकते हैं, फ्रेंड्स इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट क्या लिख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्वायर 4 × 3। यहाँ पर जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। इस बात को फ्रेंड्स ऐसे लिख सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं, तो लिखेंगे तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, 4 × 3 हो जाएगा, स्क्वायर रूट 4 × 3 हो जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों को इस बात को देख करके 4 × 3 को देख करके आप लोगों को याद आ रहा होगा 7 कि जब हम 4 और 3 को जोड़ते हैं फ्रेंड्स तो क्या आता है, 7 आता है, आप लोगों को याद आ रहा होगा 7। बट हम क्या करेंगे, इस बात को हम ऐसे भी लिख सकते हैं फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट 4 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर। इस बात को भी देखेंगे तो हम क्या आएगा, 7 ही आएगा फ्रेंड्स। जब हम 4 का स्क्वायर करते हैं तो 2 होगा, 4 होगा फ्रेंड्स। स्क्वायर रूट 4 का जब स्क्वायर करते हैं तो 4 होगा और स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 होगा, उसको भी जोड़ेंगे तो 7 आएगा। तो फ्रेंड्स इस बात को हम यहाँ पे जो 7 दिया है इस बात को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, स्क्वायर रूट 4 का होल स्क्वायर और यहाँ प्लस स्क्वायर रूट 3 का होल स्क्वायर और यहाँ पर प्लस हो जाएगा आप लोगों को क्या, 2 × 4 × 3। फ्रेंड्स इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर एक बात बताइए आप लोग, जब भी ऐसे आप लोग सिचुएशन देखते हैं क्वेश्चंस का तो आप लोगों को याद आ रहा होगा 1 + b² ये प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या होता है फ्रेंड्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। तो फ्रेंड्स ये उसी सीक्वेंस में तो ये दिया गया है, ए है ए बी है, तो फ्रेंड्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 × a × b यानी कि ये जो 4 और 3 दिया गया है दोनों क्या है, रूट में है। तो इस बात को हम ऐसे लिखें या इस बात को 4 × 3 देखिए में स्क्वायर रूट करके लिखे बात तो सेम। तो फ्रेंड्स इसको हम कैसे कर सकते हैं, स्क्वायर रूट 4 + √3 का होल स्क्वायर कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स जब भी हम इसका क्या करेंगे, तो फ्रेंड्स जब भी इसको हम क्या करते हैं यहाँ पर, फ्रेंड्स जब भी हम इसको बाहर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, जब भी इसको हम बाहर लेंगे तो क्या आ जाएगा,
क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, स्क्वायर रूट 4 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। और आप लोगों को मालूम होगा कि स्क्वायर रूट 4 का क्या होगा, 2 हो जाएगा। जब हम 4 का वर्गमूल निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो फ्रेंड्स कितना होगा, 2 होगा। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज द राइट आंसर। इसका राइट आंसर कितना होगा फ्रेंड्स, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। तो फ्रेंड्स इसी प्रकार से आप लोग क्वेश्चन को विभिन्न सेकंड में आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और आप लोग को मैं बता दूं कि जब आप लोगों को एक क्लास अच्छा लगा हो तो आप लोग क्या करें फ्रेंड्स, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जा करके अपनी बात को रखें फ्रेंड्स, अपनी बात को रखें वहाँ पर, शेयर करें अपनी बात को, जो भी आप लोगों को आ रहा है तो आप क्या करें कमेंट करें। प्रॉब्लम है तो वो भी बताएं, प्रॉब्लम नहीं है तो वो भी बताएं। और जब आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा हो और क्वेश्चन अच्छा लगा हो तो क्या करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने फ्रेंड में शेयर करें। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स क्या, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं फ्रेंड्स, तो जा करके क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं फ्रेंड्स। हमारे चैनल को आप लोग क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को नोटिफिकेशन, जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूंगा तो फ्रेंड्स उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास चला जाएगा और आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो इतना बात जरूर करना फ्रेंड्स, और इस क्वेश्चन को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तब तक के लिए फ्रेंड्स गुड बाय, यहीं पर इस सेशन को एंड करूँगा। तो बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल गाइस।